टू माई चैनल स्टाइल विद समन। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन में लेकर आई हूँ दो काजल, एक एलेटीन का है और एक प्लम का नेचर स्टूडियो है। मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों में से मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगा, मैं अपना रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। और आप लोग भी इस काजल को मंगा सकते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह आसानी से मिल जाती हैं। अगर मेरे पास इसका लिंक होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्लम का है नेचर स्टूडियो काजल, जो क्लेम करता है कि 7 to 8 hours तक रहता है। मैं इसका स्वैचेज आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इसका फर्स्ट स्वैच है प्लम का। इसकी ख़ास बात ये है कि ये स्टे तो करता है, बट ये इसकी क्यूटिप जो है वो शार्प जब करते हैं तो इतनी पतली नहीं हो पाती जितना हमें चाहिए होता है। और इसकी प्राइस वर्स बात करें कि प्राइस इसकी कितनी है तो ये अंडर 500 आ जाता है। अब मैं बात करती हूँ एलेटीन की और इसके स्वैच भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह से ये ओपन होता है और इसकी क्यूटिप काफ़ी पतली है। मैं इसका स्वैच भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये प्लम से कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्लैक है और प्राइस वाइज बात किया जाए तो ये अंडर 100 rupees आसानी से मिल जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह ये आसानी से मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जैसा भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं हम वैसा ड्रॉ हो जाता है। तो मुझे पर्सनली मुझे एलेटीन का ये काजल बहुत अच्छा लगा प्लम के मुकाबले में। और प्लम भी अच्छा है बट पता नहीं क्यों मैंने 1 month पहले इससे मंगाया था, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया और फिर इसका इस तरह से शार्प करने वाला ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगर आप लोग बजट फ्रेंडली अगर कोई मेकअप किट तैयार करना चाहते हैं जो अंडर 100 rupees हो तो आप ये काजल उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये काजल बहुत अच्छा है। और आप लोग जल्दी से बताएं कि यूज़ करके कि आप लोगों को ये काजल कैसा लगा। ओके, बाय बाय।